मैं प्रदीप सौगो भाट रखे में रिसर्च हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज 8.3। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था, आज 17 से स्टार्ट करते। तो आइए देखते हैं, कह रहा है इतने का हमको मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका मान। आप इसको देखिए, 5 को 5 लिखिए, इस साइन 17 को साइन 17, इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है cos 90-17, क्योंकि 90 में 17 घटाओगे तो 73 ही बच जाएगा। प्लस को प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख दीजिए, काश में 31 लिख दीजिए, और जो नीचे वाला पार्ट है इसका, इसको लिख दीजिए साइन 90-31। माइनस को माइनस लगा दीजिए, 6 लगाइए, इसको लिखिए साइन 80 अपान नीचे वाले को लिख दीजिए काश 90-80, क्योंकि 90 में 80 घटाएगा तो 10 ही बचेगा। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, इसको 5 को 5 साइन 17 को 17, ये किस में बदल जाएगा, साइन 17 में। प्लस को प्लस, 2 को 2 काश 31 को 31, ये किस में बदलेगा, ये बदल जाएगा काश 31 में। माइनस को माइनस, 6 को 6 साइन 80, और ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई, साइन 80। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 5 प्लस यहाँ 2 माइनस 6, 5 2 7 में 1, 6 गया कितना, 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है निम्न का मान, इसमें 4 क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन जो है ये है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है tan 26 को 26 लिख दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 90-26। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा tan 26 बटे, ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा tan 26 में, और ये कट जाएगा कितना जाएगा, 1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 18 का दूसरा नंबर है, इतना इतने का मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको जैसा है वैसे लिख दो, माइनस इसको हम लिख सकते हैं sec 90-31, क्योंकि जब 90 में 31 घटाएंगे तो ये 59 ही बचेगा। तो आगे ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक 31, और ये किस में बदलता है, कॉसेक में, हमने आपको बता रखा है। तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक 31, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा, 0, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का तीसरा नंबर देखते हैं, तो ये लिखा हुआ कह रहा है इतने का मान ज्ञात करो। तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, इसको जैसा है वैसे लिख देते हैं, इसको ले सकते हैं साइन 63 प्लस इधर वाले क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं साइन 90-63, क्योंकि जब 90 में 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, और होल स्क्वायर लगा देते हैं पूरे का बटा, जो इधर वाला है कास स्क्वायर 17 को 17 रहने देते हैं, जो इधर है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम ले सकते हैं कास 90-17, और ये पूरे का होल स्क्वायर। आप देखिए तो इधर जो आया ये है साइन स्क्वायर 63, और ये हमारा किस में बदल जाएगा, कास 63 में, किस में मेरे भाई, कास 63 में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कास स्क्वायर 63। जो इधर वाला है उसको वही लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे कास स्क्वायर 17, प्लस को प्लस लगाएंगे, जो ये है ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा साइन 17 में, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए एक आगे आप सर्व संज्ञा पढ़ोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, अर्थात समान कोण पर, समान कोण पर साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर को जोड़ो तो उसका मान 1 आता है। तो ऊपर 1 वही चीज़, नीचे भी है 1, 1 हो गया क्या मेरे भाई, ऊपर 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, तो इस क्वेश्चन में कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 का चौथा, कह रहा है इतने का मान ज्ञात करो। तो एक्चुअली फ्रेंड ये अगर ए है बी है, फिर से ये ए है बी है, तो ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, ए की जगह 25 है, बी की जगह 65 है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा साइन 90, साइन 90 का मान 1, लेकिन ऐसे हम नहीं लगाएंगे, इसका
इसको चेंज करके ले आएंगे। कैसे मेरे भाई? चेंज करके ये जो लिखा है साइन 25 को 25, इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं कास 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में 25 घटाएंगे तो 65 बच जाएगा। प्लस को प्लस लगाएंगे, कास 25 को 25 लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस 25। तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा साइन 25 आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? साइन 25 हो जाएगा, प्लस ये कास 25 ही रहेगा मेरे भाई। ये किस में बदल जाएगा? कॉस 25 में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25, और ये आपका आ जाएगा कास स्क्वायर 25। इसका मान एक समान कोण पर, समान कोण पर कास का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर जो होता है उसका योगफल कितना होता है? एक होता है मेरे भाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि टेन ए बराबर कॉट बी हो तो सिद्ध करो इतना। तो हम इसको लेते हैं, इसको हम देखिए क्या ले सकते हैं। इसको लिख देते हैं टेन ए बराबर को बराबर, इसको ले सकते हैं टेन 90 माइनस बी, क्योंकि मेरे भाई ये बदल जाएगा कॉट बी, ये कॉट बी ही लिखा हुआ है तो दोनों पक्षों में कोणों का तुलना कर ले रहे हैं। यहाँ का कोण ए है, यहाँ का कोण 90 माइनस बी है, बी अगर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अर्थात ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90, जो हमें सिद्ध करना था ये प्रूफ हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेक 4 ए बराबर है कॉसेक ए माइनस 20, जहाँ 4 ए एक न्यून कोण है तो ए का मान याद करो। तो आइए देखते हैं, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4 ए, क्योंकि मेरे भाई हमने आपको बता रखा है ये किस में बदल जाएगा, सेक में सेक 4 ए ही लिखा है, बस हमने उसको चेंज करके लिख दिया। और इधर का जो कॉसेक है उसको लिख दीजिए ए माइनस 20, इधर का कोण इधर के कोण का तुलना कर ले रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 90 माइनस 4 ए और इधर आ जाएगा ए माइनस 20। आप 20 को इधर लाइए और इसको इधर लेकर जाइए, तो ये 90 प्लस 20 हो जाएगा और ये ए प्लस 4 ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 110 और इधर हो जाएगा 5a। अगर मैं a बराबर निकालूँ तो मेरे भाई 110 बटे 5 अर्थात 22 डिग्री आ गया। a का मान कितना आ गया? 22। अगर मैं यहाँ पर पुटअप करता हूँ 4 गुणता 22 कितना आ गया? 88 आ गया, जो 90 से कम है अर्थात न्यून कोण है, अर्थात इस कंडीशन को भी फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि ए कम बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो क्या करना है? सिद्ध करना है इतना है, सिद्ध करना है। तो आप जानते होंगे मेरे भाई, क्या जानते हैं? ए बी सी अगर किसी त्रिभुज के कोण है तो तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है मेरे भाई? 180 डिग्री। दो से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसे लिख सकते हैं b/2 c/2 बराबर 90 मेरे भाई। तो बी सी को इधर रहने देते हैं, इसको इधर ले आते तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b प्लस c/2 और इधर आ गया 90 माइनस a/2। इसको हमने इस साइड लेके आ गया मेरे भाई। अब दोनों पक्ष का साइन ले लेते हैं, दोनों पक्षों का साइन लेने पर यहाँ आपको लिखना है, दोनों पक्षों का साइन लेने पर जैसे हम साइन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? साइन बी प्लस सी बाई टू और ये आ जाएगा साइन 90 माइनस में ए बाई टू, ये किस में बदल जाएगा? कॉस ए बाई टू में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? इसको हम ले सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, यही हमको सिद्ध करना था जो प्रूफ हो गया मेरे भाई।